जैसा कि दोस्तों बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद बैक टू बैक ये सेकेंड योजना है दोस्तों, जिसे आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप भी यहां पे आवश्यक सूचना में रीड कर पा रहे होंगे, वेबसाइट पर अब किसानों द्वारा सीधे पंजीकरण की प्रक्रिया को सीएससी प्रज्ञा केंद्र से ई केवाईसी के बाद होने का प्रावधान कर दिया गया है। सीएससी के माध्यम से यह प्रक्रिया 20 सितंबर 2024 से शुरू होगी। मतलब ये है कि दोस्तों ये 20 सितंबर से इस वेबसाइट में आकर आप किसानों का पंजीकरण कर सकते हैं। तो आगे जानेंगे दोस्तों ये योजना क्या है और किस फसल के लिए इसमें हम किसानों का पंजीकरण कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, बिरसा फसल योजना में हम धान की खेती का या फिर मक्का की खेती का उसमें हम इंश्योरेंस कर रहे थे किसानों का। लेकिन दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे इसमें दोस्तों हम मड़ुआ की खेती जो हमारे किसान करते हैं उनका हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे उनके फसल बीमा के लिए। तो दोस्तों इसमें हमें किसानों का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको किसानों से ₹40 का चार्ज मैक्सिमम करना है। साथ ही आपके डिजिटल सेवा के पोर्टल से ₹14 का चार्ज डिडक्ट होगा। तो चलिए आगे हम जानेंगे किस प्रकार से हमें इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद किसी भी किसान का, अगर वो मड़ुआ की खेती कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं फसल बीमा के लिए। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे कि दोस्तों आप इस वेबसाइट को देख पा रहे होंगे, इसकी जो वेबसाइट है jhmm.jharkhand.gov.in, इसी वेबसाइट को दोस्तों आपको ओपन करना होगा। इस वेबसाइट को हम अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जहाँ से आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमें किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, होम के बाद सीएससी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डैशबोर्ड कुछ हमारा इस प्रकार का होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी सीएससी आईडी फिल करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, जिस भी किसान का हमें झारखंड मिलेट मिशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे उनकी आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही सिक्योरिटी कैप्चा को फिल करने के बाद सर्च करना होगा। जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें दोस्तों ऐसे किसानों का फिंगरप्रिंट यहाँ पे लेना होगा, फिंगरप्रिंट कैप्चर करना होगा। जब हम किसानों का फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेंगे सक्सेसफुली, तो कुछ नॉर्मल सा बेसिक डिटेल हमें यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि फार्मर नेम, उनके फादर का नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर या फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका। साथ ही दोस्तों राशन नंबर उनके पास है तो राशन नंबर भी फिल करना होगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज हमें यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही हम इन सभी चीज़ों को फिल कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों हमें अपडेट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा ये होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे किसान जिनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि बैंक का क्या नाम है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम। इसके बाद दोस्तों फिर से हम सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से हम दोस्तों आगे के ऑप्शन पे चले आएंगे। जैसे कि दोस्तों आप भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, झारखंड मिलेट मिशन, यहाँ पे दोस्तों किस चीज़ की खेती वो कर रहे हैं और खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है और कितने एकड़ एरिया में वो इसकी खेती कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे फिल करना रहता है। जैसा कि दोस्तों आप भी यहाँ पे मिलेट डिटेल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों हमें सारी चीज़ों को फिल कर देना होगा। जैसे कि मिलेट में आप मड़ुआ की खेती कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, प्लॉट नंबर, साथ ही किस फसल की खेती कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डिटेल हमें फिल करना होगा और कितने एरिया में आप इसकी खेती कर रहे हैं उसे भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ डैशबोर्ड हमारा इस प्रकार का होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ फसल से रिलेटेड चीज़ों को अपलोड करना होगा, जैसे कि लैंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप रसीद अपलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपलोड NOC फ्रॉम लैंड ओनर, अगर आप अपने ही ज़मीन पर खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर आप खतियान अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे के ज़मीन पे खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको NOC यहाँ पे अपलोड करना होगा उस ज़मीन के किसान से NOC लेकर। चौथे ऑप्शन में दोस्तों आपको बैंक पासबुक अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो भी खेती आप कर रहे हैं मिलेट मतलब मड़ुआ का, तो कहाँ से आपने वो खरीदा है, किस भी शॉप से खरीदा होगा, जो भी बीज आपने खरीदा है, तो अगर उसकी रसीद है तो आप उसकी रसीद को भी यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली सेव कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, आपको डिजिटल सेवा के पोर्टल में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से दोस्तों आपको ₹14 का जो भी पेमेंट है उसे करना होगा और आप अपने किसानों से
₹40 तक मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। जब आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का रसीद आपको देखने को मिलेगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, इस प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और किनका रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे इस रसीद में। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।